कि भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बारी हो। भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बारी हो। आया पसे में लड़ब कबूले भैया पवन खेसारी हो। कि शेर के आगे टिकी नगी दौड़, शेर के आगे टिकी नगी दौड़, सुनिल हमर भाई की आरजेडी फिर से आई, विकास के झंडा पहराई। अब रियल पूछे तो एक रुपया इसके पास नहीं है, ये हकीकत बात है। एक रुपया, एक सौ छोड़ दीजिए, एक रुपया आज के डेट में इस व्यक्ति के पास, लेकिन जब इससे बात करेंगे, इसका गाना सुनेंगे तो लगेगा जी करोड़ों का आदमी है। बिंदिया सजवले ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बड़े। गाना ही हम लोग बनाए इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कलाकार का कोई इज्जत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि बिहार कितना रिस्पेक्ट किसी भी अदर सिटी या जिले में मिल पाएगा, कहीं भी नहीं मिल पाएगा। काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो। इंसान जब हम शक्ल होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कला भी एक जैसी हो, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दोनों युवा उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन इस वक्त पटना में है और इनका कहना है कि हम पटना में ही रहेंगे, हम बिहार में ही रहेंगे। तस्वीरें देखिए, शक्ल एकदम एक जैसी, दाढ़ी एक जैसी, आँख एक जैसी, बाल एक जैसा, घड़ी एक जैसी, टी शर्ट एक जैसा, यानी सब कुछ एक जैसा है। और इनके अंदर जो कला है, जो आवाज़ है, नाम क्या हुआ आपका पहले आप बताइए। जी मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। इनका नाम आप बता रहे हैं कि वो अपना बता रहे हैं? नहीं, मेरा नाम रमा है, इसका पता नहीं। कब से ये तरीका है कि बताना है नाम तो ऐसे बताना है? ये तरीका बहुत पहले से, जब पढ़ते थे तब ये था, चिंकी मिंकी पहले से था, मगर हम लोग पहले बार नहीं हो पाए। बात यह चिंकी मिंकी के पहले से हमको लग रहा है चिंकी मिंकी हमारा कॉपी की है। अच्छा, हाँ, जब छोटे जी आप दोनों वायरल हो गए रातों रात और पूरे देश के लोगों ने सुना। भोजपुरी एक आमतौर से एक मीठी भाषा है, लोग बहुत सलीके से सुनते हैं, हालांकि अब गंदगी आ गई है लेकिन हम लोग लगातार उस पर खबर चला रहे हैं, उसका विरोध भी हो रहा है। तो वो जो गाना जिससे आप सबसे पहले जिंदगी में खुशी आई, वो जरा सा सुना दीजिए पहले। गाना सुनाएंगे और उस गाने, वो गाना जो है बहुत प्यारा सॉन्ग है और गोपाल जी गाए, और उस गाने को हम लोग बहुत जब से, मतलब हमको लगता है जब से गायकी स्टार्ट किए तब से गाना गाते हैं, उसी को हम सुनाते हैं। काहे किसी आइल बाड़ू जहन ले बुका हो, काहे किसी आइल बाड़ू जहन ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो, बोलो हमर सुगनी परान ले बुका हो। आवाज में जो खनक है, जो लय है, जिंदगी में सब काम करते हैं ऐसे ही मिलजुल करके, सारा काम दुनिया का कोई कर, सुनने में आया है कि बाथरूम भी साथे जाते हैं। एक चीज मैं बता दूं, दुनिया का कोई सा भी काम जाते ही सोच सकता है आदमी, सब कुछ साथ में करते हैं हम। गर्लफ्रेंड आपकी अकेली है कि उनकी? वो है नहीं, वो तो अलग चीज़ है, मगर उसके अलावा जो काम करते साथ में, और अगर जो गर्लफ्रेंड रहती तो हो सके तो आज हम यहाँ नहीं होते, फिर सोना बाबू बाबू टोना न लग जाए, आए न लग जाए, ये करते रह जाते उसके चक्कर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश से पटना आने की क्या वजह हुई? लोग बोलते हैं कि बिहार लोग नहीं आते हैं, लेकिन आप दोनों तो मिसाल हैं, आप दोनों यहाँ हैं। आई लव बिहार, बहुत प्यारा बिहार है, हमारा सपना था। जब जो कहता है कि बिहार गलत है उनको, तो हम लोग एक बार चेतावनी देंगे कि बिहार आके देखें क्या बिहार है। मुझे नहीं लगता कि बिहार कितना रिस्पेक्ट किसी भी अदर सिटी या जिले में मिल पाएगा, कहीं भी नहीं मिल पाएगा जितना रिस्पेक्ट कलाकारों को, चाहे किसी को भी मिलेगा। अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो बहुत, यहाँ के जो लोग हैं बहुत, बहुत जगह हम लोग रहे हैं, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, वहाँ का भाषा अजीब टाइप रहता है, रे 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 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो आप बोलते हैं, और ये मुझे लगता है बहुत मीठा भाषा है भोजपुरी। यहाँ रिक्शा वाले को भी आप बोलते हैं? आप बोलते हैं सबको। और दिल्ली में हम 5 साल ड्यूटी किए हैं, कंपनी में काम करते थे, 8,000 रुपया महीना मिलता था, वहाँ पे 5 साल काम किए, वहाँ की भाषा है रे रे करके बोलते, ये कर ले रे, वो कर ले, मुंबई में चले जाइए ये कर ले वो कर ले, मगर बिहार में एक बार आप आके देखिए, यहाँ एक नंबर का भाषा मिलेगा आपको।
आप लिट्टी चोखा खाएं? लिट्टी चोखा रहे यूपी से, तो लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे हम खाए हैं। तो मतलब ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ, कैसे वायरल हो गए? संघर्ष जैसे हम गाते तो बचपन से ही थे, हमारा सपना भी था कि बहुत बड़े सिंगर बने, मगर हाल ही में शूटिंग चल रहा था, हम तो जैसे 2 महीने से लगातार वायरल चल रहे हैं, ये सब आप लोगों का प्यार दिला रहे हैं। शूटिंग चला था दिनेश लाल जी का आजमगढ़ में, तो वहाँ हम दोनों भाई गए थे। एक आजमगढ़ के एमपी भी हैं अभी वो, राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ शूटिंग चल रहा था उनका। तो एक आर्यन बाबू हैं छोटा वायरल, उनके पिताजी मिले, वो बोले कि आप लोग गाना गाते हैं, हमने कहा गाते हैं, बोले कि एक कोई गाना सुनाइए, तो हम गाना गा के जब गा रहे थे तो अपने पेज से लाइव आ गए, वो वीडियो वायरल हुआ और आज यहाँ है। और उनके बहुत बड़ा मीडिया वाले जो थे वो फ़ोन किए और आए, और मीडिया वालों के वजह से और आने बाबू जी के पिता से जी की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं कि पटना में आए हम लोग। तो मुझे आप लोग जैसे आप जैसे लोगों के कला के बारे में, तो हम लोग आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं, हालांकि भोजपुरी में अश्लीलता चल रही है। अच्छा, खेसारी और पवन को लेकर बहुत गाली गलौज झगड़ा भी हुआ, उसमें भी 2 लाइन आपने गाया है बहुत अच्छा, वो जरा सुना दीजिए, जरा बता दीजिए। लाखों लोगों ने चैनल को देखा है, लाखों लोगों ने देखा है, हमारा चैनल खुद का अग्रमा हुआ शंकर ऑफिशियल भी है, उस गाने को हम गाएंगे और गाने के माध्यम से समझा। गाना है वो, तो गाना एक अलग बात है, लेकिन वो जो हमारा सच्चाई था समझा। और क्योंकि हम लोग जब से गायकी स्टार्ट किए थे भोजपुरी का, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से गायकी स्टार्ट किए, तो बहुत बड़ा सपना था हमारा कि भोजपुरी को इतने ऊपर तक लेके जाएंगे और अच्छे नाम से अच्छे चीज़ों से पहचान पर भोजपुरी का बनवाएंगे। लेकिन जो ये चंद छोटे मोटे कलाकार हैं पैसे के चक्कर में जो इतना बर्बादी कर रहे हैं, भोजपुरी का बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत कभी कभी तो बहुत बहुत वो होता है। तो खेसारी जी के लिए हम गाना गाएं, खेसारी पहुंच दोनों लोगों को समझाने के लिए उसे 2 लाइन गाएंगे अब। कि भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बारी हो, भोजपुरी के आगे बढ़ावे लाई कहिया बारी हो, आया पश्चिम लड़ब कबूले भैया पवन खेसारी हो, आपसी लड़ब कबूले भैया पवन खेसारी हो। अच्छा, आप लोगों ने रियाज किया था कभी ऐसा ही? मतलब जो जो आप लोगों का जो लय है वो बिल्कुल एकदम मानसिक तौर पे जुड़ा हुआ है, जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से वहाँ, जहाँ खत्म करना वहाँ खत्म हो जाता है, मतलब हर तरह से जुड़ा हुआ है। कोई कोई रियाज नहीं, सब कृपा है। और जो है कि हम बचपन से साथ में गाए, स्कूल में भी साथ में गाते थे, छोटे पर से साथ में गाते थे, और उसी का हो सकता है सर। अच्छा, अभी कभी ऐसा हुआ कि माँ जो है वो मारने के लिए दौड़ी हो, तो जिसको मारना था उसको नहीं, दूसरा आप में से मार खा गया? नहीं, जैसे दोनों लोग मार खाते थे साथ में, गलती भी साथ में ही करते थे, क्योंकि साथ में रहते थे। कोई अगर जो घर में जैसे कोई बड़ा तो गलती नहीं किए, गलती है कि घर में कुछ बचपन में हर कोई होता है, चोरी करके खा लेते थे, तो साथ में ही खाते थे, मिल बांट करके, तो साथ में मार भी खाते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि गलती इसने की, आपने की और पकड़ा? अभी भी होता है, वो तो घर में नहीं तो लेकिन बाहर होता है, गलती नहीं उसको, वो बोलते हैं दुकान पर हम लोग जाते हैं और कुछ खा पी के आ जाते हैं, माँ जी भाई दबे कभी ये चला गया, मैं घर पे हूँ, बोलूँगा जाओ लेके आओ, ले ये खा के चलाएगा, फिर मैं जब जाऊँगा तो बोलेगा पैसा दो, पहले वाला उधार तब खिलाऊंगा। फिर मैं बोलता भैया मैं वो नहीं हूँ, वो दूसरा है, तो गांव वाले जानते हैं क्या जुड़वा है, बोले अच्छे वो है लो तब खा लो, फिर देता है खाने के लिए, फिर जब साथ में जाते तब पैसा देते उधार। शादी कैसे होगी? शादी होगी लड़की से, एक ही लड़की से नहीं, 2 लड़की से होगा, जुड़वा से होगा वो। मतलब ये दिमाग में है कि जुड़वा से करना है? दिमाग में है, और हमारे गांव वाले जो लोग हैं उनका भी एक सपना है कि नहीं जुड़वा ही लड़की है, पूरा कर जरूरी है, जुड़वा गांव वालों का सपना पूरा करना है, अपन गांव वाले सपना ये है। बहुत मस्त आदमी है, बहुत हंसमुख है आप, और भोजपुरी की जो कला है ना वो बड़ी प्यारी है, आप अगर भोजपुरी में किसी को डांटिएगा भी तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और भोजपुरी जो है भाषा, ये सबसे मीठी भाषा है भोजपुरी, यहाँ तक मैं तो जानता हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो भोजपुरी इतना मीठा भाषा कोई है ही नहीं, समझ लीजिए। कोई और भोजपुरी गाना जो है, अलग जो है वो लोग इनको जितना गंदे नजर से बिहार वालों को देखते हैं उतना उनको उनका जो है ना वो खुद गंदे है तभी गंदे देखते हैं। एक बार बिहार में आए और यहाँ के लोगों को देखें, यहाँ के पानी खाना जो है बहुत अच्छा है, समझ लीजिए, और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए आप लोगों ने कहा कि नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ो, अब यहीं बिहार पटना में रहना है, क्या करें जब कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्या करेगा कोई बताइए। पटना की लड़कियां तो अब पसंद करने लगेंगे? लड़कियां नहीं, लड़के पसंद कर, लड़कियां लड़के दोनों पसंद करें, मगर एक जो होता है ना दर्शक, बस दर्शक के रूप में, बस दर्शक के रहना है। बाकी कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, गजल हो जाए, भोजपुरी वाला गजल हो जाएगा, और उससे पहले मैं जिसकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ उनको चाहूंगा कि सामने आ जाए, बोला बाबा हमारे हैं, आ जाइए, बोला जी। आज सोच लीजिए जिस समय वायरल हुए थे, 2 महीने लगातार वायरल थे,
कोई व्यक्ति यूपी से खड़ा नहीं हुआ कि नहीं बाबू आप अच्छा काम कर रहे हैं चाहे अच्छा गा रहे हैं आपका सपोर्ट करूंगा, मगर बिहार और मऊ जिला के भी बहुत दिग्गज लोग हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, और गायक भी हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा। बिहार तक सोनू भैया और ये भोला भाई, ये दोनों लोग चल के गए हमारे खुद और फ़ोन किए हमारे पास 11 रात को कि बाबू हम आपका सपोर्ट करेंगे, और ये खुद चल के गए यूपी हमारे अयोध्या में, वहाँ से हमें जैसे बुलाए हम वहाँ गए, वहाँ से उठा के आज पटना लाकर खड़ा किए। तो हम आपको बता दें कि ये बाबा हैं और इन्होंने ही इन दोनों को शरण दिया है। पटना लाने का जो मकसद था इन दोनों का, इन्होंने कहा कि छोटे कलाकार के लिए सबसे सेफ जगह है पटना, यहाँ बहुत प्यार करते हैं लोग, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरह से इन दोनों को इन्होंने जीवन दान दिया है, रास्ता बताया है बाबा। तो ये सेवा के नज़रिए से क्या कुछ और भी इरादा है? ये सेवा के नज़रिए से कितने लोग आए मर जाते हैं कुछ आता पता चलता नहीं है। मेरा यही ड्रीम है जो मैं रहूँ या न रहूँ मेरा नाम बहुत रहे और हर व्यक्ति मेरे नाम को जाने, उसके लिए दान करना पड़ता है, लोगों को मदद करना पड़ता है, और वह धन वह दौलत वह शोहरत वह नाम कोई काम का नहीं रहता है जब आपसे कोई आदमी का उन्नति न हो, आप पावर में है और आपका लाभ नहीं मिले, आपके पास दौलत है और कोई भूखे मर जाए, वो राजा कोई काम का नहीं होता है जो प्रजा भूखे सोता है। चलिए वो हो जाए गजल वो वाला, थोड़ा सा करीब आ जाइए जी जी, आप दोनों करीब आइए तो हाँ। स्केल नीचे रखिए भाई, ठीक। पवन जी का एक गाना सुना देखिए। हाँ सुना दिए। उठ थोड़ा करीब हो, गनवा थोड़ा अच्छा लगता है। कि उठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया सजवले ऐसे जैसे चांद सजवले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बड़े। अभी रात में जगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत है, हम आपके फैन हो गए, जो आवाज़ में क्वालिटी है हम कामना करते हैं कि पटना के लोग बिहार के लोग देश के लोग आपको देखते थे बार बार, जो न्यूज में हमारा इंटरव्यू रहे हैं, बहुत सौभाग्य वाली बात है, हेडलाइंस बिहार हमेशा देखते रहते हैं फेसबुक पे। सबसे बड़ी बात इस दोनों भाई में एक अच्छा बात मुझे लगता है जो मुझे भी आगे बढ़ने में या किसी व्यक्ति, क्योंकि इतना हंसता है, अब रियल पूछे तो 1 रुपया इसके पास नहीं है, ये हकीकत बात है, 1 रुपया 100 छोड़ दीजिए 1 रुपया आज के डेट में इस व्यक्ति के पास, लेकिन जब इससे बात करेंगे इसका गाना सुनेंगे तो लगेगा जी करोड़ों का आदमी है, यही सोच के मैं बोल किराया यही दौलत है, इसी को दौलत बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं तो जब फोन कर देंगे कि सोनू भैया को चाहे बाबा को, ये लोग पैसा भेजते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऐसा लोग प्यार देंगे ना कि उन चीज़ों की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी तो और लोग आपके साथ आ जाएंगे। हाँ RJD वाला गाना सुनने में बड़ा वायरल हो रहा है, अच्छा लगा क्योंकि RJD लालू यादव पसंद है। अरे बहुत अच्छा है, और जाएंगे हम लोग अगर रात हो जाएंगे जरूर, शाम को बात किए हैं जाएंगे आज उनके पास, और गाना ही हम लोग बनाए इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कलाकार का कोई इज्जत नहीं, मुझे तो बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ क्योंकि इतने दिन से हम लोग का नहीं तो किसी का, हमसे भी बढ़िया बढ़िया गाने वाले कलाकार पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर में पूर्वांचल में, लेकिन किसी का सपोर्ट कोई नहीं करता है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता विधायक है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता है। हमको तो लगता है अगर हम लोग बिहार में नहीं आते तो हम लोग भी उन्हीं कलाकारों से दबे रह जाते हैं। आज तेजस्वी तेज प्रताप लालू यादव सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं जी, उनके लिए एक गाना हम बनाए थे जब बिहार में आए थे, जब भी बनाए थे उसे हम गाएंगे। कि शेर के आगे टिकी नगी दौड़, शेर के आगे टिकी नगी दौड़, सुन लो हमर भाई की RJD फिर से आई, विकास के झंडा पहराई, कि RJD फिर से आई, विकास के झंडा पहराई। अच्छा नाम क्या हुआ आप दोनों का? मेरा नाम रमा है, इसका उमा है। हमको नहीं पता चल रहा है कौन कौन है, लेकिन हम इतना कहेंगे ये दोनों जुड़वा भाई हैं, राजधानी पटना पहुंचे, इनका कहना है कि कला की यहाँ इज्जत है और हम यहीं घर बसाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में बसना चाहते हैं। आपको ये कहानी ये स्टोरी कैसी लगी हमें